नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड होने वाला है, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट यानी कि T20 और ODI से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। अब हम सभी लोगों के चाहते महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए ग्राउंड पर नहीं दिखेंगे, जो कि सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छा न्यूज नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी ने अब पूरी तरीके से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए से। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने करियर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरों वाला वीडियो शेयर किया है, जिसके बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत गाना बज रहा है, मैं पल दो पल का शायर। प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम 7:29 से मुझे रिटायर ही समझा जाए, ऐसा महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया है, जो कि सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छा न्यूज नहीं है। आइए जानते हैं उनके बारे में, दिग्गज क्रिकेटर और अभिनेता और नेता क्या क्या टिप्पणी किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं और उनसे महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े हुए कुछ अनोखी कहानियों के बारे में भी जानेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ICC के तीनों टूर्नामेंट जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने धोनी की कप्तानी में 2007 में T20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। गौरतलब है कि धोनी ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और ICC के तीनों ट्रॉफी जीतने वाले ये दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं, यानी कि इनकी जितनी बखान की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, इसी के साथ एक साइड न्यूज और भी है, भारत के दिग्गज क्रिकेटर और ऑलराउंडर रैना भी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, जो कि अब हमें अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड पर मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे, IPL जैसे टूर्नामेंट खेलते हुए दिखेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उनके बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। उन्होंने लिखा है, इनके जैसे खिलाड़ी के लिए मिशन इम्पॉसिबल। उन्होंने लिखा है सहवाग ने, इन जैसे खिलाड़ी के लिए मिशन इम्पॉसिबल ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा MS के जैसा। उन्होंने आगे लिखा, खिलाड़ी आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनके जैसा शांत शख्स नहीं होगा। ओम फिनिशाय नमः। उनका अलग ही अंदाज होता है ट्वीट के जरिए, वो सबको सायराना अंदाज में विदाई देते हैं। सचिन ने उनके बारे में क्या कहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा, भारतीय क्रिकेट में आपका योगदान बहुत बड़ा है, 2011 विश्व कप को एक साथ जीतना मेरे जीवन का सबसे सुनहरा क्षण रहा। तेंदुलकर ने आगे यह भी कहा है, आपकी यानी कि धोनी दूसरी पारी के लिए आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसा सचिन तेंदुलकर ने धोनी के बारे में विश किया है। लेजेंड अपने ही अंदाज में रिटायर होते हैं, धोनी भाई आपने देश को यह सब कुछ दिया, ऐसा अश्विनी ने किया है, जो कि भारत के ऑलराउंडर स्पिनर थे। विश्व क्रिकेट हेलीकॉप्टर शॉट मिस करेगा माही, ऐसा अमित शाह बोले हैं, जो कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि विश्व क्रिकेट हेलीकॉप्टर शॉट मिस करेगा माही। उन्होंने लिखा, धोनी ने क्रिकेट के अपने अनूठे स्टाइल से लाखों को मंत्रमुग्ध किया। शाह ने यह भी कहा, आशा करता हूं आने वाले समय में आप भारतीय क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए योगदान देते रहेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी धोनी के बारे में ट्वीट करके कहा, कौन चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से धोनी संन्यास लें, हम तो अभी कैप्टन कूल को और खेलते हुए कमाल करते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जब कैप्टन कूल ने फैसला कर ही लिया है तो जीवन में और ऊंचाइयों तक जाने की शुभकामनाएं। MS धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहनने नहीं देख पाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे माही को एक फेयरवेल मैच रांची में हो, जिसका गवाह पूरा विश्व बनेगा। BCCI से अपील करना चाहूँगा, माही का एक फेयरवेल मैच कराएं, जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा। हार्दिक पांड्या ने उनके बारे में क्या कहा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पांड्या ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, केवल एक MS धोनी है मेरी प्रेरणा बनने के लिए, मेरे दोस्त और बड़े भाई आपका शुक्रिया, नीली जर्सी में आपके साथ खेलना याद आएगा, लेकिन यकीन है आप मेरे लिए हमेशा खड़े रहोगे, ऐसा भारत के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का कहना है।
गांगुली ने उनके बारे में क्या कहा, जो कि इस समय बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने क्या कहा है जान लेते हैं। यह एक युग का अंत है, वह देश और विश्व क्रिकेट के लिए क्या शानदार खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा, हर अच्छी चीज़ का अंत होता है और बहुत शानदार सफर रहा, वह बिना किसी पछतावे के पारी खत्म करेंगे। आरपी सिंह ने क्या कहा, धोनी लीजेंड बनने के बाद भी रांची में अपने दोस्तों को प्रैंक कॉल करते थे। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी ट्वीट आया है धोनी के संन्यास के बाद। उन्होंने ट्वीट किया है, क्रिकेट की कहानी उनके बिना कभी पूरी नहीं होगी, क्या लीजेंड है। धोनी ने 2017 में एक इंटरव्यू में कहा था कि अभी तक अख्तर सबसे तेज गेंदबाज हैं जिनका उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सामना किया। कोहली ने क्या कहा, ये सबसे दिलचस्प बात है, भारत के वर्तमान समय के कप्तान कोहली ने भी धोनी को ट्वीट करके अपने अंदाज में बधाई दी और शुभकामनाएं दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है आइए जानते हैं। दुनिया ने उपलब्धियों को देखा, मैंने इंसान को देखा। कोहली ने क्या कहा है कि दुनिया ने उपलब्धियों को देखा, मैंने इंसान को देखा। उन्होंने लिखा, अब आपने देश के लिए जो किया है वह हमेशा सभी के दिल में रहेगा, लेकिन आपसे परस्पर सम्मान और गर्मजोशी पाई वह हमेशा मेरी रहेगी, आपके सम्मान में सिर झुकाता हूँ। ऐसा भारत के वर्तमान समय के कप्तान विराट कोहली ने धोनी के बारे में कहा है। और विराट कोहली और धोनी का काफ़ी लगाव भी है, धोनी ने उन्हें काफ़ी प्रमोट किया, जो कि आज के विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में शुमार हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है धोनी के विदाई समारोह पे, विलक्षण प्रतिभा के संपन्न अद्भुत नायक, धैर्य के प्रतिमान, भारतीय क्रिकेट जगत के ज्वाज्वलमान नक्षत्र धोनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा एक युग की समाप्ति है। उन्होंने आगे कहा, आपने सदैव भारत का मान बढ़ाया है, नवीन पारी के लिए मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ है। ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। क्रिकेटर सुरेश रैना के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके बारे में भी संदेश दिया है, ट्वीट किया है, जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। भारतीय क्रिकेट को अपनी आभा से उस्मित करने वाले महान खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के रत्न रैना का खेल जीवन उपलब्धियों से पूरित रहा है। उन्होंने कहा, आपका धैर्य, आपका समर्पण भाव प्रेरणास्पद है, यूपी सहित पूरे देश को आप पर गर्व है। धोनी ने रिटायरमेंट वीडियो में लोगों द्वारा अपना पोस्टर जलाते हुए तस्वीर भी शामिल की है। एमएस धोनी ने अपने रिटायरमेंट वीडियो में उस तस्वीर को भी लिया है जब भारत के विश्व कप 2007 से बाहर होने के बाद उनका पोस्टर जलाया गया था। तस्वीर उस समय की है जब वह श्रीलंका के खिलाफ जीरो पर आउट होकर पवेलियन लौटे थे। इसमें 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में उनके रन आउट होने वाली तस्वीर भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके बारे में क्या ट्वीट किया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। विश्व में एकमात्र ऐसा कैप्टन है जिसने भारत को क्रिकेट के हर फॉर्मेट में नंबर वन बनाया। उन्होंने आगे यह भी कहा, हम भारतवासियों को गर्व के अनगिनत मौके देने के लिए शुक्रिया कैप्टन कुल, क्रिकेट के मैदान में आपकी सफलता युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगी। ऐसा कहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। उनके रिटायर होने पर साक्षी उनकी पत्नी का भावुक ट्वीट आया है, उसके बारे में देख लेते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उनकी पत्नी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, धोनी की तस्वीर शेयर कर साक्षी ने लिखा, मुझे आपकी उपलब्धियों और आप जिस तरह के इंसान हैं उस पर गर्व है। मुझे यकीन है आपने पैशन को गुड बाय कहने के लिए आपने उन आंसुओं को रोक लिया होगा। ये कुछ ट्वीट रहे जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपने अंदाज में ट्वीट करके बधाई दी है आने वाले समय के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।